खरगोन जिले के जुलवानिया रोड पर औरनपुरा में बीती रात तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर एक झोपड़ी में जा घुसी, जिससे एक बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों द्वारा सुबह के समय खरगोन बड़ौदा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। उनकी मांग थी कि मृतक महिला के परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाए। हमने किया है कि कल यहाँ रात के 11 बजे कुछ दुर्घटना हुई स्कॉर्पियो गाड़ी से। रात के 11 बजे की घटना है ये। 11 बजे स्कॉर्पियो दो सवार आदमी थे, दारू पिए थे, नशे में सीधे स्टेयरिंग सीधे भाग के वो गाड़ी मकान में घुस दी गाड़ी, और एक लेडीज की उसमें मृत्यु हो गई है, उसका निधन हो गया। उसको गाड़ी से नीचे निकाला गया, हम अस्पताल ले गए, उसके रास्ते में डेथ हो गई। अस्पताल जाते जाते हम लोगों ने चक्का जाम इस खातिर किया है कि दोनों मुजरिम फरार हैं। वो हमारे को सुबह दर्शन करवा के जा रहे हैं कि हम लोग इधर घूम रहे हैं, वो गाड़ी भी हम बोले उठा ले जाएंगे, देख लेंगे जो होगा। हम पुलिस वाले, हमारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है। और लाठीचार्ज फिर हमारे को 11 बजे बाद 11:30 बजे लाठीचार्ज कर दी, सभी आदमी भगा दिया गया, हम लोग सभी चले गए। मगर सुबह उनको कार्रवाई करते हमने पुलिस को देखा कि खेदी मुजरिम बाहर घूम रहा है, तो हमारी कार्रवाई हुई क्या? ये कर्फ्यू है, जनता हो रहा है, हम उसका पालन कर रहे हैं। उल्लंघन हम कोई नहीं करना चाहते, उल्लंघन पुलिस वाले कर रहे हैं कि इसका न्याय दिया जाए सभी जनता को। हाँ, या औरंगपुरा के उस गरीब के यहाँ जाए, आप देखो गरीब का मकान देख लो, उसका वीडियो है मेरे पास, आपके गाड़ी वाला वही मेरे पास है, और वो सात परिवार चलता था उसका घर, आज वो घर कहीं चलेगा तुम बताओ? जो मर गया उसके घर में मातम मचा है पूरा। क्या क्या नाम लिखते थे महिला? सोना माई की मोहल्ले के माई से बोलते, पूरा माई के नाम से जाना जाता था, बहुत अच्छी भाई थी। खरगोन थाना प्रभारी ललित सिंह डागुर अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाइश देकर उन्हें शांत किया और चक्का जाम खुलवाया। रहवासियों का आरोप है कि ड्राइवर नशे में था और कार पुलिस कर्मी की बताई जा रही है। थाना प्रभारी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। रात्रि में कल 11:30 बजे के करीब का मामला है। एक स्कॉर्पियो एम्बुलेंस होकर सड़क से नीचे गिर गई और करीब 3-4 फीट नीचे एक वृद्ध महिला जो सो रही थी अपनी झोपड़ी के पास, उसकी दबने से मृत्यु हो गई और उसको जिला अस्पताल तत्काल रवाना किया गया। यहाँ का सब व्यवस्थाएं बनाई गई, उसके बाद उसके खिलाफ 304 ए का अपराध स्कॉर्पियो चालक के विरुद्ध हम लोगों ने पंजीबद्ध किया है। आज कुछ मोहल्ले के लोग इनसे मिलने आए थे और उनमें रोष था कि उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, उसकी झोपड़ी वगैरह रिपेयर कराई जाए। तहसीलदार महोदय ने आके मौके पर उनको आश्वासन दिया है कि उनको जो भी आर्थिक या उचित मदद है वो दी जाएंगी। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, सब खैरियत। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, उसमें एक आरक्षक की स्कॉर्पियो होना बताया है, उसकी जांच की जा रही है, वो भी पकड़ लिया गया है। खरगोन से शकील शेख की रिपोर्ट।